नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। एक बार फिर से दुनिया में भारत वंशियों का दबदबा कायम हुआ है और इस बार यूरोपीय देश आयरलैंड की कमान एक भारतीय के हाथों में आई है। कमाल ये भी है कि लियो वार्धरकर आयरलैंड के सबसे युवा पीएम होंगे। 38 साल की उम्र में उन्होंने देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। वार्धरकर भले ही आयरलैंड में पैदा हुए हों, लेकिन भारत से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। कुछ सालों पहले वो आयरलैंड क्रिकेट टीम के साथ मुंबई भी आए थे। जाहिर है मुंबई से डबलिन तक का उनका यह सफर शानदार रहा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी अगली पेशकश, भारत वंशी के सिर आयरलैंड का ताज, जिसमें हमारे साथ होंगे लियो वार्धरकर के परिवार के सदस्य। 38 साल की उम्र में वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनसे जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। वार्धरकर के पिता अशोक मुंबई से थे और उनकी माता जी की बात करें तो वो उनका नाम मरियम वार्धरकर है जो आयरिश मूल की हैं। अशोक मरियम की सबसे छोटी संतान है लियो वार्धरकर। 18 जनवरी 1988 को डबलिन में उनका जन्म हुआ था और 2003 में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। 20 साल की उम्र में ही राजनीति में उतर गए थे। 2007 में डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। 2007 में आयरलैंड की संसद के लिए वो चुने गए और साल 2015 में वार्धरकर ने समलैंगिक होने की बात जो है उसको कबूल किया था। 2011 की बात करें तो फाइन गेल पार्टी सत्ताधारी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनी और इसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और खेल मंत्री भी बनाया गया। तो ये सब लियो वार्धरकर से जुड़ी खास बातें हैं जो हमने आपको बताई और इस वक्त हमारे साथ उनके परिवार वाले भी लाइव जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता मनोज भोयर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ साथ मनोहर वार्धरकर जो लियो वार्धरकर के चाचा हैं और लियो वार्धरकर की बहन शुभदा वार्धरकर भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधा मुंबई से। मनोज, बहुत ही खुशी की बात है कि एक भारतीय मूल का जो व्यक्ति है वो आयरलैंड का प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री 38 साल की उम्र में बन गया है। आपके साथ उनके चाचा और उनकी बहन भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से आप उन्हें दे। और सबसे पहला सवाल यही, बिल्कुल यही उठता है कि कितना अच्छा और कितना गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत खुशी का माहौल है घर में। कल जब ये खबर आई तो स्क्रीन पर एक आयरिश वेबसाइट पर लाइव कवरेज देख रहे थे और उन्होंने अपने सारे परिवार चाहने वाले लोग इनके साथ में, उन्होंने ये काफ़ी अच्छे ढंग से सेलिब्रेट भी किया। और मालवन जो सिंधुदुर्ग है, नारायण राणे का इलाका माना जाता है राजनीतिक तौर पर, वहाँ इनका पैतृक गांव है, वहाँ भी गांव वालों ने खुद होके सेलिब्रेशन किया। वो वीडियो भी हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया है, यहाँ उनके फैमिली वालों ने। 93 साल के चाचा है लियो के मनोहर जी, उनसे पहले बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक हमसे बात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया, लियो आपके भतीजे, आपके नेफ्यू, ये आयरिश प्रधानमंत्री बन गए यूरोपियन कंट्री के, क्या लग रहा है आपको? मेरा भाई का लड़का प्राइम मिनिस्टर बन गए ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हो गया। कम ही उम्र से, 34 ऐसा कुछ उम्र है उसका, वो छोटा उम्र है, उस उम्र में भी वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। सब वर्ल्ड में, जग में यही एक एग्जाम्पल है कि कम ही उम्र का आदमी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। वो बहुत होशियार है, एफिशिएंट है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और भारत का एक आदमी वहाँ जाकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये बहुत आनंद की बात है। आपको याद होगा कि वो यहाँ आए थे अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके भाई, और एक बचपन की यादें उनकी आपको कुछ याद आती होगी, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई, गांव से, मुंबई से, और बाद में वो विदेश चले गया आयरलैंड। नहीं, मेरी भाई तो यहीं था, मेरा भाई, उसका जो बच्चा था वो इधर आया था, मुझे याद है, यहीं आया था, ये स्कूल आया था, ये मुझे मारा। जब वो क्रिकेट मंत्री थे तब वो भारत यहाँ मुंबई दौरे पर आए थे मानिक जी,
आपको याद है आपके भतीजे की कि वो जब आए थे तब का कुछ माहौल था, आज वो एक देश के प्रधानमंत्री बन गए, चोटी पर चले गए। मानिक जी ये उनकी चाची है, चाची से बात करेंगे। वो आए थे जब खेल मंत्री थे तो वो आए थे यहाँ और सबसे हम सबसे मिल के गए घर में, यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाया सबके साथ और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मतलब अच्छी इंटेलिजेंस की बातें करते थे। तो हमें उसी से समय लग रहा था कि ये ज़रूर कुछ बनेगा, ऐसे नहीं रहेगा। बिल्कुल मनोज, शिशिर जी से बात करेंगे, वो उनके जो लोग हैं बिल्कुल शुरू से उन्हें जानते हैं, तो उनकी जो हाँ लियो मेरे चाचा का लड़का है और बचपन से हम उनको जानते हैं। जब 1992 में मैं खुद आयरलैंड में गया था, वो टाइम में छोटा बच्चा था मगर बहुत तेज बच्चा था, वो टाइम उस वक्त भी काफ़ी एक्टिव था, बहुत उसकी शरारतें भी बहुत थी और उसके सब प्रश्नों का जवाब देना हमको भी मुश्किल आता था। उसके बाद छोटे वो था तब भी वो इधर मुंबई में आया था, हम उनको नेशनल पार्क में भी घुमाने गए थे, हम जहाँ रहते उधर भी रह के गए। बाद में जवान जब वो डॉक्टर हो गया MBBS, उसके बाद उसको एक महीने का कोर्स इधर मुंबई में किया था, उस बार वो एक महीना इधर रुका था। इधर उसको खाने पीने में उसको हमारी जो प्रॉन्स है, कोलम्बी बोलते हैं, पापलेट है, उसको मिठाई का बहुत बहुत ज़्यादा शौक मिठाई का है। मुझे अभी भी याद है दिल्ली गए थे हम तो उनको मटके में गुलाब जामुन दिया था, तो गुलाब जामुन का रस वो बहुत स्वादिष्ट लगा, वो काफी से खा रहा था उसको। ये बहुत ही सुनहरी यादें है, देखिएगा कि ये खुद वहां गए थे शरीफ जी वहां आयरलैंड में और वहां उन्होंने मुलाकात की ये और वो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि आदमी कितनी भी चोटी पर जाता है सफल होता है, लेकिन गांव की यादें और वहां का कहीं स्वादिष्ट भोजन हो, वहां की अपनी लोकल चीजें बहुत पसंद आती है। और कुछ याद आपको जहाँ उनके देश में जब आप गए थे? हाँ, देश में हम गए थे, वो टाइम वो तो छोटा ही था मगर देश के भी बहुत बढ़िया देश है आयरलैंड देश, काफ़ी बढ़िया देश है, बहुत सुंदर है, उनके सी शोर्स और देखने जैसे काफ़ी चीज़ है। लियो जी की मौसी जी, उसके मामा जी, उधर भी हम चले गए थे उनको मिलने के लिए। मैं 8 दिन लियो के साथ था, मतलब मेरे चाचा अशोक जी और लियो और मरियम आंटी के साथ 8 दिन था, बहुत मज़ा आ गया, वो 8 दिन हमने बहुत अच्छी तरह से गुजारे। हाँ, और बहुत खुशी है उनके चेहरे पर कि आज वही व्यक्ति जो उनके परिवार का इतने बड़े मकाम पर पहुंच गया। जी नोज, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। ये वो सब लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से लियो को जानते हैं, तो उनसे ये जानने की कोशिश आप कीजिए कौन सी ऐसी खासियत उन्हें शुरुआती दौर से नजर आती थी कि वो इतने बड़े मकाम पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, शुभदा जी उनकी बहन है और बहुत मशहूर ओडिसी डांसर भी है और इसी घर पर जो क्रिकेट मंत्री थे वो उनके देश के, तब मुंबई दौरे पर जब आए थे तब इसी बोरीवली के घर में वो आए थे। शुभदा जी, कौन सी ऐसी खासियत आपको खास लगे उनके व्यक्तित्व की, विशेषताएं कहाँ जाए कि जहाँ आप लगता है कि कहीं एक झलक कि ये व्यक्ति बड़े हैं, ऊँचे पद पर जा सकते हैं? बचपन से ही लियो वैसे हमें देखा, बहुत बुद्धिमान लड़का था और उस बहुत क्यूरियस माइंड था, बहुत सारे सवाल पूछता था। और जब मैं आयरलैंड गई थी तब लियो भी छोटा था, तभी इतने उसने सवाल पूछे थे। तो उसके बाद जब मैं गई तो मैं उसके लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेके गई, लेकिन उसके पहले ही उसने भारत के बारे में बहुत जानकारी कर ली थी। तो भारत का इतिहास, भारत का समाज कैसे, वो काफ़ी जानकारी थी उसे। और अभी पिछले साल ही मैं आयरलैंड गई थी 2016 में और मेरे कॉन्सर्ट टूर थी लंदन में, तो वहाँ से मैं आयरलैंड चली गई। और लियो मिनिस्टर होते हुए भी उसने मुझे डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज, उनका म्यूजियम, उनका संसद सब दिखाया। तो एक बहुत खुद हमारे साथ आए और इतना एक पारिवारिक है वो उस मन से। मंत्रियों का इतना तामझाम भी नहीं रहता होगा ना? कुछ नहीं, हम चल रहे थे, मान लीजिए कि भारत में कोई मंत्री अगर दिखाने को लेकर जाए कोई म्यूजियम और कहीं साइट, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वहाँ तो काफी लोग वहाँ भी वो काफी मशहूर है, तो लोग रास्ते में हेलो मिनिस्टर करके बात करते थे, बहुत अच्छी तरह से सबसे बात करते थे। संसद में लेके गए तो मैंने लियो से कहा कि मैंने तो आयरिश संसद देखी, अभी तक मैंने भारत की संसद नहीं देखी। तो लियो ने मुझे कहा लेकिन मैंने देखी है, क्योंकि वो मिनिस्टर था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तब भारत में आया था तब उसने देख ली थी। फिर हम पूरा डबलिन देखे, जब हमने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर देखा तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि
आई होप आई विल सी यू इन दिस हाउस समडे। एंड आज वो हमारा सपना पूरा होने जा रहा है कि आज लियो वहाँ के फिनेगिल पार्टी के लीडर बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी 13 जून को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, हमारा पूरा परिवार खुश है। और मुझे लगता है कि ये आयरलैंड का ही एक नेता नहीं तो लियो में इतनी ताकत है कि वो पूरे विश्व का नेता बन सकता है। और ये जो अलग अभी बदलाव आ रहा है विश्व में कि जहाँ सब दुनिया एक होते जा रही है और जो पहले विभाजन था विभिन्न धर्म का जात का कौन कहाँ से है वो आज मिटता जा रहा है, उसका एक लियो एक प्रतीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव में सेलिब्रेशन हुआ जो गांव के साथ नाता रहा है एक लियो के परिवार का, वो हर 2 साल के बाद कोई एक धार्मिक विधि भी वहाँ होती है। कल भी बहुत सेलिब्रेशन किया हमने सुना, कल या आज सुबह। लियो के पिताजी अशोक वराड़कर हलसार आते हैं और हमारे मुलुक जाते हैं गाँव में, तो उनको वो पुराना घर और सब पुरानी यादें बहुत अच्छी लगती है। और अभी हम नया घर बनाया है, वो आधुनिक घर बनाया है, वो घर देखे वो बहुत खुश हो गए थे और वहाँ आके वो रह सके, उनको लगा ये घर पसंद आया। और हमें लगता है कि एक आधे दिन लियो भी आएगा और वह घर में रहेगा वराड़ में आके, तो हमारी एक ख्वाहिश है कि वो भी आए और रहे। अभी तक वराड़ में तो लियो पहुँचा नहीं है, बम्बई में हिंदुस्तान बहुत जगह हमें उसे घुमाया है फिराया है, पर अभी ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लियो वराड़ में आके, कोंकण का लड़का है सिंधुदुर्ग में रहेगा, बहुत मजा आ जाएगा। कभी आए थे वो वराड़ में? अभी अशोक जी हर साल आते हैं, उनके पिताजी, उसकी मम्मी भी आती है, पर लियो बम्बई में और हिंदुस्तान में बहुत जगह घुमा है बट वराड़ तक अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब आयरलैंड के जो बीचेस है वो बहुत ही खूबसूरत है कहा जाता है, देखते तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है उसकी, लेकिन कोंकण भी कहीं कम नहीं है। हाँ। तो वो लियो तक कैसे पहुंचाया जाए? अगली बार हम उनको पहुंचाएंगे, हम उनको बताएंगे कि जो जैसे आयरलैंड में बीचेस है वैसे इंडिया में भी है, मालवण का बीच अच्छा है और वहाँ उसे लेके जाएंगे। मतलब मुंबई का बीच हम नहीं दिखा सकते अभी क्योंकि बहुत मैला हुआ है, अलीबाग का भी नहीं, लेकिन कोंकण के बहुत वर्जिन बीचेस भी दिखाए जा सकते हैं। तो आप देखिएगा बहुत सारी यादें हैं लियो के साथ में, और जाहिर सी बात है कि एक परिवार के लिए बहुत ही ये खूबसूरत मौका कहा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि बहुत दूर का रिश्ता है, अपनापन जोड़ने की कोशिश की जाती है, बड़ा व्यक्ति अगर होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो मुंबई दौरे पर आए तो इसी बोरीवली के इसी घर पर आए, उनके चाचा के घर पर, गांव में भी उनका रिश्ता इस परिवार का, वहां भी एक घर बनाया गया, वहां के लोगों ने भी खुद होकर सेलिब्रेशन किया, यानी सारी जो एक पारिवारिक जो कनेक्टिविटी देखी जा सकती है। ये लोग भी आयरलैंड गए और आयरलैंड जाते समय उन्होंने खुद मंत्री होते हुए भी शुभदा जी को वहां के कुछ जगह दिखाई, खुद होके मंत्री होने के बावजूद भी। ये कहा जा सकता है कि लियो का एक अपनापन, अपना रिश्ता इस परिवार के साथ में, भारत के साथ में बिल्कुल है। वो वहां के नहीं हो गए, जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि व्यक्ति विदेश जाने के बाद और बहुत साल वहां रहने के बाद में बिल्कुल एक परिवार वाले लोगों के साथ आप हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश आप करें क्या जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें वो लोग पहुंचेंगे। और जिस तरह परिवार वालों का कहना है कि अपनी सभ्यता से भी लगातार जुड़े रहे हैं, उनकी बहन खुद एक किताब लेकर गई थी लेकिन उससे पहले ही काफी कुछ वो भारतीय संस्कृति और भारत से जुड़ी हुई बातें जानते थे। तो अगर ये लोग जाने वाले हैं परिवार के लोग शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या क्या तैयारियां उनकी तरफ से की जाएंगी, कुछ उनकी मनपसंद चीजें जो उन तक पहुंचाना चाहते हों, ले जाना चाहते हों? जी जी जी, शपथ ग्रहण समारोह जब होगा आयरलैंड में तब क्या कोई कोशिश आपकी तरफ से जाने की होगी? कल तक तो हम बहुत टेंशन थे, चिंता थी इलेक्शंस के रिजल्ट आने तक, कुछ भी हो, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कुछ प्लान नहीं कर रहे थे। और उसके बाद ये अभी पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है लेकिन अभी हमारा प्लानिंग शुरू होगा, तो अभी हम तय करेंगे कैसे होगा क्या होगा, अभी तक तो प्लानिंग करने को फुर्सत ही नहीं मिली। ये कल से जाहिर सी बात है कि तमाम मीडिया कर्मियों का ध्यान इसी एक घर पर था बोरीवली के, जब लियो प्रधानमंत्री बन गए आयरलैंड के, तो उनका कहना है कि अभी समय लगेगा, कुछ बातचीत उनके परिवार वालों के भी साथ होगी और उसके बाद में तय किया जाएगा कि वहां जाना है या नहीं। मनोज, लियो के पिताजी एक डॉक्टर थे और लियो ने खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी,
तो क्या शुरू से ही वो लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर परिवार वालों ने देखी कि हाँ वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं? क्या कुछ कारण रहे कि वो राजनीति की ओर मुड़ गए? जी बिल्कुल, वो आयरलैंड उनके भाई श्रीज गए थे, हम उनसे पूछेंगे, वही बेहतर इसका विश्लेषण कर पाएंगे। सवाल ये है श्रीज जी कि क्या लीडरशिप क्वालिटी, उनके पिता डॉक्टर थे, वह डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के बावजूद भी एक पेशे से राजनीति के दूसरे एक पेशे में चले जाना, ये जो यात्रा रही है उनकी, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या है, उनके पिता जो तो ये पेशे में थे, मगर हमारे जो बड़े अंकल हैं और मेरे पिताजी के बड़े भाई एक नंबर के जो अंकल हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर थे और उनके खून में राजनीति थी। वो राजनीति में मालवण के मेयर भी थे, ये चुनाव में भी खड़े थे इधर दहिसर में, तो वो राजनीति में और सोशल वर्क में काफ़ी उनका बड़ा काम था। वो पहले बैरिस्टर थे मालवण के, तो वो खून शायद हमको वही लग रहा है कि वो हमारे बड़े चाचा का वो खून लियो में आ गया है। बीच में कोई पॉलिटिक्स में नहीं गया, मगर डायरेक्ट उनके बाद लियो क्यों गया और वो उस तरह से वो आगे जा रहा है। आपके परिवार को वराड गाँव में बहुत सम्मान है, क्या वजह? सारे लोगों का एक रिश्ता, ऊंचे पद पर आप भले ही चले गए लेकिन आपका रिश्ता, आपकी कनेक्टिविटी गांव के साथ में काफ़ी रही है, क्या वजह इसकी? वजह इसकी ऐसी है कि हमारा जो वराड़कर जो फैमिली गांव में है वो सब पढ़े लिखे हैं, सब गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मेरे एक चाचा रेवेन्यू में के सेक्रेटरी थे, एक चाचा मामलेदार थे, एक ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट में थे और उसके वजह उनका एक सम्मान रह गया है। और आज ऐसी परिस्थिति के वराड़कर पूरी दुनिया में फैल गए हैं, हमारे जो रिलेशंस है पूरे अमेरिका इंग्लैंड सब जगह फैल गए, इसलिए वराड़ गांव में हमारा खाली बड़ा घर है, काफ़ी बड़ा घर बनाया, पर हम खाली छुट्टी में और ऐसे उधर जाते हैं, मगर उधर के लोगों को हम लोग सहायता करते रहते हैं। मतलब ये ब्रांड सभी जगह पाया जाता है? हाँ, पर उधर के लोगों को हम लोग सहायता, कुछ न कुछ सहायता करते रहते हैं, मंदिर को डोनेशन देते हैं, ये हमारा सबसे संपर्क चला रहता है। ये बहुत विशेष बात इन्होंने बताई है कि परिवार के अंदर ही एक सोशल वर्क या फिर लीडरशिप का एक गुण देखा जाता है। उनके गांव में उनके रिश्तेदार ये मेयर भी थे, राजनीति में थे, और खुद जो मनोहर जी है फ्रीडम फाइटर रह चुके, तो आज की राजनीति और उस दौर की राजनीति बहुत अलग थी, लेकिन राजनीति का जो एक अंग देखा जा सकता है इस परिवार में वो बहुत शुरुआत से ही है, और शायद परिवार वालों को यही लगता है कि उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश डॉक्टरी पेशे होने के बावजूद, पेशे में होने के बावजूद भी लियो ने की होगी। जी बिल्कुल मनोज, और आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री लियो बने हैं, तो इसके बाद कैसे देखा जाए इसको, जो देश और दुनिया के जो युवा हैं उनको किस तरह से इंस्पिरेशन देंगे? बोल्ड और ईमानदार नेता के तौर पर लियो को जाना जाता है और एकदम सीधी बात वो करते हैं, इसी तरह से शुरू से भी रहे थे और अब जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या इसी तरह से आगे भी बने रहेंगे, यही लगता है घर वालों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेकर फिर एक कहीं नई युवा पीढ़ी के पास भी हम जाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से उनकी राजनीति रहेगी जैसे कि उन्होंने की है, उनके अगले सपनों के बारे में आपकी क्या विशेष है, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अब बड़ी कमान उन्होंने संभाली है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, मंत्री होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होना, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी सही बात है। अभी नरेंद्र मोदी जी जब आयरलैंड गए थे तभी लियो ने उनका स्वागत किया था, और लियो अभी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है अभी तक लियो ने जो भी काम किया है आयरलैंड में उसको आयरलैंड की जनता ने सराहा है, और वही वो काम आगे करेंगे, और मुझे लगता है उनके काम के कारण ही उन्होंने लोगों के मन और लोगों के मत जीते हैं, और वही काम वो करते रहेंगे आगे। हमने देखा है कि कल से ही आप भतीजी है उनकी, और चलिए मनोज वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और तमाम परिवार जनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने तमाम बातें और तमाम यादें लियो से जुड़ी हुई हमसे साझा की, सिर्फ वो ही नहीं पूरा देश बहुत ज्यादा गौरवान्वित इस वक्त महसूस कर रहा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश कानूनी हेल्पलाइन।